कैंडिडेट अच्छा आता है पब्लिक के सामने तो निश्चित जीत कांग्रेस की हो जाएगी। कैंडिडेट किस अच्छा तरह का कैंडिडेट, मतलब समाज से जुड़ा हुआ, पब्लिक से जुड़ा हो, मतलब पब्लिक के काम करता हो, मनोबली अपनी ना हो उसकी। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो, मैं तो जीत गया तो बस अपने घर ही बैठ जाऊं, मतलब जो पब्लिक से, समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कोई भी हो, समाज के साथ चलने वाला हो कैंडिडेट, ऐसा होना चाहिए। मैंने कुछ विधायक को जो देखे हुए वो आम आदमी पार्टी के, उनके 5 साल और 10 साल में तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई हुई है। जनता तो वो राशन के चीज में है, लेकिन वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वो पब्लिक को देखते ही नहीं। तो ये केजरीवाल जी नहीं चाहते कि अगर मेरे विधायक की परिस्थिति सुधर सकती है तो जनता क्यों नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब इस जनता से ही चुन के आप पहुंचे, इसी चीज पे तो जो मेन लीडर है इसी चीज पे तो ध्यान दे। एक विधायक ही क्यों बना बैठा? पब्लिक मतलब सफर कर रही है, एक विधायक करोड़ों में पहुंच गया 5 साल में। इस चीज को जो मेन लीडर है उसको सोचना चाहिए। केजरीवाल पे जो आरोप लगे हुए शराब घोटाले पे, उस पे क्या कहेंगे आप? अब देखो जी, इस बारे में हम नहीं कह सकते, दार वगैरह सब अलग है बेटा। लेकिन ये इतना ठेका खोलना क्या सही है? ये नहीं, ये तो खैर पब्लिक के लिए होना चाहिए, लिमिट से पब्लिक ही बिगड़ेगी, ये तो लिमिट से। और सरकार का स्कूल के पास तो होना नहीं चाहिए। बाकी स्कूल का, स्कूल के आसपास अगर ये हो गए ना, या हॉस्पिटल के पास में, वहाँ तो होना नहीं चाहिए। मतलब जैसे ऐसे ऐसे है यहाँ पे शराब जो स्कूल और हॉस्पिटल के पास है दिल्ली में, जो कल्याणवीर थाने के पास है नियस्ट, और पास में कोंडली वाला स्कूल है, ये ना बीच में ठेका है। में नहीं देखा? नहीं, इधर कल्याण इंटरनेशनल के बराबर में देखा होगा आपने, वही ठेका हुआ स्कूल है, और यहाँ भी बीच में स्कूल से आगे। देखो दो चीज का तो उसने, एजुकेशन का स्तर और एक हॉस्पिटलाइजेशन का पब्लिक के लिए, गरीब पब्लिक के लिए। पहले प्राइवेट स्कूल में गरीब के बच्चे को कोई नहीं घुसने दे पाया, जब से इन्होंने आए 25% इन्होंने उसमें कर दिया एडमिशन का। और इसी प्रकार से चाहे प्राइवेट वाला ले ना, लेकिन उसकी तरफ से तो है कि इलाज कराना पड़ेगा, कार्ड बना दिया है जो भी कुछ है, और ऊपर से दबाव आता तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को लेना भी पड़ता है। वाला सौदा और जो हमारे मार्शल थे डीसी के अंदर, कि या तो फ्री वाला सौदा बंद करिए और या मार्शलों को निकालिए। अब हमारे जो माननीय सीएम साहब ने मार्शलों को निकाल दिया उनके कहने से, तो ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि उनके बच्चे वगैरह, उनका रोजगार छीन लिया गया, तो इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा। बाकी जो जो जनता जनता तो भूखी है, जब पानी बिजली 2-3 चीज फ्री है, तो वो इसलिए केजरीवाल जी के आधार पर सही बताती है। लेकिन क्या वाकई में उन्होंने जनता को सुविधा, चलिए सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन क्या उन्होंने रोजगार दिया? ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपने आप अगर रोजगार दोगे, रोजगार तो छीन लिया। जो तुम मैं आपको MC उनकी बात बता रहा, जो हमारे मार्शल थे, कई हजार बच्चे बेरोजगार हो गए। नए राशन बने हुए पिछले नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बने, कार्ड भी नहीं बने। राशन कार्ड भी काफी समय से नहीं, काफी समय से कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं। और नई पेंशन बनी हुई है, नई पेंशन। अब इनको जो पैसा नहीं मिल रहा, खुद जो पेंशन धारक है जैसे विधवा वगैरह, उनके पैसे नहीं आ रहे। खुद मेरे बेटे की घरवाली है, नहीं हमारे जो बिटिया है, नए पेंशन बन रहे हैं क्या? चलिए जो बन आया ना आना वो अलग चीज है, नहीं बन रही है कि हाँ जब पैसा आएगा तब विधायक 5 करोड़ और बढ़ा देगी। अच्छा, 10 से 15 करोड़ कर दिया फंड। इस बार पेपर में पढ़ा मैंने, ये जो फरीदा हाथीसी जब से मुख्यमंत्री बनी है, तो इसने 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ कर दी विधायकों को। अभी पेंशन आने वाले दिनों में 2 या 3 महीने में या 1 या 2 महीने में इलेक्शन है, तो हर पार्टी जो है फ्री की जरूर कुछ ना कुछ एक लुभावनी सौगात लेके आएगी। तो क्या इस बार जनता वो फ्री देखना चाहेगी कि रोजगार देखना चाहेगी या अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहेगी? देखो जो जो आप जैसे हो गए ना, जो पढ़े लिखे उधर जाएगी रोजगार मिले फ्री वाले, और हमारे जैसे कि बच्चों को रोजगार मिले, सबसे मेन बात यह है। हमारे फ्री वाला सौदा हमारे ठीक नहीं है, हमारे लिए रोजगार बच्चों का।
ताकि बच्चों का भविष्य सुधरे और उनके बच्चों का भी।